हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अर्निंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाए हैं, अर्निंग से रिलेटेड आप टिप्स देते हैं, तो आप उसकी कैटेगरी क्या सिलेक्ट करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या होता कि जब तक आप अपने यूट्यूब चैनल की सही तरीके से कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर लेते ना, तब तक यूट्यूब को ये नहीं पता चल पाता कि आप किस तरह के वीडियो बना रहे हैं, तो वो आपका वीडियो उस ऑडियंस तक नहीं पहुँचा पाता जिस ऑडियंस को उस वीडियो की ज़रूरत होती है। मैं आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं, तो YouTube को तो इतना टाइम नहीं है कि वो हर किसी का वीडियो देखे। तो YouTube का एल्गोरिथम क्या करता है कि आपके चैनल की कैटेगरी देखता है कि आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की है, मतलब कि आपके वीडियो किस तरह के होते हैं, तो वो आपका वीडियो उस ऑडियंस तक पहुंचा देता है जिस ऑडियंस को उस वीडियो की जरूरत होती है। तो अगर आपने अर्निंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसकी कैटेगरी सही तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर देखना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बाइट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको बाइट स्टूडियो में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाइट स्टूडियो ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ आपको नीचे कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटेंट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके चैनल के सारे वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट होने के बाद ऊपर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहां नीचे लिखा होगा टैग कैटेगरी शॉर्ट रिमिक्स, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहां ऊपर आपको टैग दिखाई देंगे, इसके बाद यहां से का नंबर शॉर्ट रिमिक्स दिखाई देगा, फिर थर्ड नंबर में आपको कैटेगरी दिखाई देगी, तो आपको कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां सभी प्रकार के चैनल की कैटेगरी यहां पर आ जाएगी। तो आपके चैनल कौन सा है, अर्निंग से रिलेटेड, मतलब कि आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, पैसा कमाना सिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करना है, वो कैटेगरी है एजुकेशन, मतलब कि आपके वीडियो से सबको सीखने को मिल रहा है, तो आप यहां एजुकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे तो यही कैटेगरी आपके अर्निंग चैनल की सही है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा बैक करेंगे और यहां सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपके चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि आप एक बार कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे ना, तो जो आगे आने वाले वीडियो हैं उन वीडियो में आपको दोबारा कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, अपने से कैटेगरी सेलेक्ट रहेगी, ठीक है। पीछे वाले जो वीडियो हैं उनको चेंज कर लीजिए, आपको हर वीडियो का चेंज करना पड़ेगा जो अभी तक वीडियो आपने अपलोड किए थे, लेकिन जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी कैटेगरी आपको दोबारा चेंज नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी एजुकेशन, ओके। और एक बात और, अगर आपने अभी तक अपने चैनल में कीवर्ड्स सही तरीके से नहीं डाले हैं तो आप कीवर्ड्स कैसे डालेंगे। कीवर्ड्स में सब कुछ डालना पड़ता है कि मतलब आप किस तरह के चैनल बनाए हैं, तो उस तरह के आपको टैग लिखने पड़ते हैं कीवर्ड में, तभी आपका चैनल ग्रो करता है। तो आप कीवर्ड्स कैसे डालेंगे उसके बारे में मैंने एक वीडियो है जिसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा, और जो ये वीडियो दिख रहा है ना, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।